हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नया बनाएंगे जो हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। जो मैं बनाने जा रही हूँ काढ़ा, जो आप बनाकर देखिए, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। लिया हुआ है गिलोय के 2 पत्ते, तुलसी का पत्ता लिया हुआ है मैंने, अदरक ली हुई है, नींबू लिया हुआ है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉश देम ऑल केयरफुली एंड देन वी विल स्टार्ट हाउ टू मेक इट। तो मैं इसको अच्छे से धो वॉश कर लूँ। इसको वॉश कर लिया है मैंने अच्छे से। अब इसका पानी हम निकाल देंगे। अब हम लेंगे एक फ्राई पैन। अब हमने अपनी गैस को ऑन कर लिया है और उस पर फ्राई पैन को चढ़ा दिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे पानी 1 गिलास। हमने अब काली मिर्च को लिया हुआ है, इसको मिला देंगे। अब हम इसको बॉईल होने तक रखेंगे थोड़ी देर। अब हमने लिया हुआ है 1 चम्मच अजवाइन, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब हम इसमें दालचीनी का पाउडर भी मिला लेंगे। अब हम इसको चला लेंगे और इसको थोड़ी देर तक बॉईल करेंगे, जिससे इंग्रेडिएंट्स का जितना भी फ्लेवर है वो सब आ जाएगा इसमें। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो अब ये हमने ये लिए थे पत्ते और अदरक और तुलसी नींबू, अब सबसे पहले हम अदरक को इसका छिलका साफ कर देंगे ताकि ये अच्छे से साफ हो जाए। कुछ इस प्रकार से हम कर रहे हैं। अब हमने इसको साफ कर लिया है, देखिए अच्छे से साफ हो गई है हमारी अदरक। अब हम इसको मिलाते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको हम इससे किस लेंगे ताकि इसका जो रस है वो अच्छे से बॉयल होकर आ जाएगा। अब हम इसमें गिलोय का पत्ता भी मिलाएंगे, देखिए किस प्रकार से मिलाते हैं इसको भी। इसको छोटा छोटा सा हम कट कर लेंगे और फिर इसको बॉयल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से ही आपको काटना है। अब हम इसमें तुलसी भी मिला लेंगे। अब इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे हम करीब 10 मिनट्स अप्रॉक्स। वी आर बॉइलिंग इट। अब फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू। मैंने नींबू को कुछ इस साइज में काट लिया है ताकि इसकी क्वांटिटी सही से हो। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो क्वांटिटी इसकी ज़्यादा रखें, अगर आप सिर्फ 1 गिलास बना रहे हैं तो क्वांटिटी उसी हिसाब से रखें। अब हम नींबू को इसमें मिला लेते हैं। नींबू हमने मिला लिया है। अब हम 1 चम्मच इसमें चीनी भी ऐड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें गुड़ भी मिला सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अब हमारा काढ़ा जो है अच्छे से पक चुका है, अब हम इसको छान लेंगे। देखिए हमारा काढ़ा तैयार हो चुका है, आप भी इसे बनाइएगा, आप हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ओके फ्रेंड्स।